हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो केश कम्बली प्रियंवद है, वो अपने कंबल को खोल करके उसके ऊपर चुपचाप बैठकर आंखें बंद करके अपने सांस को रोक करके और उसके मानो वीणा के तारों को हाथ न लगाकर स्पर्श यानी बिना छुए ही उसने उसको मतलब छुआ हो और धीरे से वो उस पर साधक के रूप में अपने आप को उसके सामने समर्पित किया। तो और उसने सबसे पहले उस वृक्ष किरीट वृक्ष को सलाम किया या कह लो प्रणाम किया, ध्यान किया, और उसके बाद में कहते हैं वो आगे का हम अब पढ़ेंगे। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है, केश कम्बली अथवा होकर पराभूत। झुक गया वाद्य पर, वीणा सचमुच क्या है असाध्य। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दम्भ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। हम इतना करेंगे। पहले कवि कहते हैं कि कंबल के ऊपर वीणा रख करके और उस पर झुककर प्रियंवद चुप हो गया। वहाँ पर उपस्थित सभा भी मौन हो गई। तब उस तपस्वी प्रियंवद ने वीणा को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वह धीरे धीरे उसके तारों पर झुका और उसने वीणा के तारों पर अपना सिर टेक दिया, अर्थात वह ध्यान साधना में पूरी तरह से डूब गया। उसे उस दशा में देखकर सभा में उपस्थित लोग आश्चर्य करने लगे। वे सब सोचने लगे कि अरे क्या प्रियंवद सो गया है, क्या केश कम्बली पराजित हो गया होकर इस वीणा पर झुक गया है, यानी उसने हार मान ली है, क्या यह वीणा सचमुच ही असाध्य है। इस तरह सभा में उपस्थित लोग अनुमान लगा रहे थे, आशंका व्यक्त कर रहे थे, परंतु उस कुछ हलचल वाले सन्नाटे में प्रियंवद मौन भाव से वीणा को साध रहा था, यानी वो चुप था, वो सिर्फ वीणा को समर्पित हो रहा था। अब वो किस किस को समर्पित होगा चुप होकर के, उसके बारे में आएगा। तो वीणा को साध रहा था, वस्तुतः वह वीणा को नहीं साध रहा था अपितु से लेकर स्वयं की सामर्थ्य की खोज चिंतन कर रहा था। वो वीणा को नहीं साध रहा था, उस वीणा के माध्यम से अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस समय ध्यान मग्न होकर वह सघन भाव से या गंभीरता से उसी किरीट वृक्ष के प्रति समर्पण भाव रख रहा था। उसने सबसे पहले समर्पित होने के लिए उस किरीट वृक्ष को, जिसके लकड़ी से ये वीणा बनी, उसके प्रति अपने समर्पण भाव व्यक्त किए और उसके बाद में जो इसे बजा सके। इस वीणा को कौन इस अभिमंत्रित लकड़ी से बने वाद्य के सम्मुख प्रियंवद की क्या सामर्थ्य है, वो ये सोच रहा था, जो इस वीणा को बजा सके या इसे बजा सके, इस वीणा को कौन बजा सके, क्योंकि यह वीणा तो इसे बनाने वाले वज्र कीर्ति के जीवन भर की साधना है और उसकी ये अनोखी साधना है। तो यहाँ पर परिकर, काव्यलिंग एवं आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब आगे है कि भूल गया था केश कम्बली राज सभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। प्रियंवद किस किस कहाँ समर्पित हो रहा है कि भूल गया था केश कम्बली राजसभा को, वो जो केश कम्बली प्रियंवद था वो ध्यानमग्न इस तरह से ध्यान में डूब गया असाध्य वीणा के ऊपर झुक करके कि मानो वह मौन रहकर उस सभा से कटकर मौन रहकर उस कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। वह अकेला ध्यानमग्न हो गया था, अपने आप में डूब गया था और वो क्या सोच रहा था, जिसमें साक्षी के आगे था और किरीट वृक्ष की महिमा का ध्यान एवं चिंतन कर रहा था। साथ ही वह किरीट वृक्ष के जीवित वही किरीट तरु, क्योंकि उसकी ध्यान में ध्यानावस्था में वही किरीट वृक्ष है वो उपस्थित हो गया था, जीवित हो गया था।
किरीट वृक्ष से उस वीणा को बजाने की शक्ति प्राप्त करने, जिसकी जड़ वासु के, अब कौन सा वो किरीट वृक्ष था कि ध्यानमग्न प्रियंवद उस समय भूल गया था कि वह राजसभा है। वह तो उस समय स्वयं को एकांत तपोवन में कंबल पर मानो अभिमंत्रित किया हुआ, मानो ध्यानमग्न होकर बैठा था और अकेलेपन में डूबा था। उस समय ध्यानमग्न दशा में वह अपने सामने किरीट वृक्ष को साक्षात देख रहा था। मैंने अभी अभी बताया कि मानो उसके सामने वह दृश्य, वो किरीट वृक्ष सामने आ गया हो, उसको समर्पण भाव से देखा। तो उसे उस वृक्ष की जड़ें पाताल में वासु के नाग के सिर या फनपट टिकी हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी जड़ वासु की के फनपट थी आधारित यानी टिकी हुई थी, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और वो इतना ज़्यादा ऊंचा था कि ऐसा लगता था कि उसके कंधों पर आकर के बादल विश्राम कर रहे हों। आगे है, जिस और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, और इसके साथ ही वो इतना ज़्यादा कहते हैं कि हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा था, और विश्राम करने के लिए बादल तो आते थे और उसके कानों में मानो हिमालय भी अपने रहस्य को कहता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी हिमालय भी अपनी बातें हैं उससे करता था, अपने रहस्य की बातें उससे करता था। इस तरह का वो हिमालय से भी ऊंचा दिखता था संबोधित कर उस तरु को। तो प्रेमवद भी उस अब समय एकदम ध्यान मग्न होकर के मन ही मन शांत भाव से उस किरीट वृक्ष को संबोधित करता था। नीरव एकालाप प्रेमवद हृदय की भावनाओं का संवाद कर रहा था, यानी अपने भावनाओं के तार उस किरीट वृक्ष के साथ में इस तरह के जो विशेषता लिए हुए किरीट वृक्ष था उससे वो जोड़ रहा था। काव्यलिंग अलंकार है। आगे है फिर, ओ विशाल तरु शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातें कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भोरे कर गए गुंजरित रात में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे गान सुनाए तक ही करेंगे कि हे विशाल किरीट तरु, ओ विशाल तरु सत सहस्र पल्लवन पतझरों ने कि न जाने तुम्हारे रूप सैकड़ों हजारों पत्तों के झड़ने से हमेशा संवारा गया। कि न तो जाने तुमने कितने तो पतझड़ देखे होंगे, कितने हजारों तुमने पत्तों का समर्पण किया होगा या पत्ते तुमने छोड़ करके अपने नया रूप धारण किया होगा, कितनी बरसातें कितने तुमने बरसातों को झेला हुआ, कितने खद्योतों ने आरती उतारी, कितनी बरसात है वो तुम्हें भिगोया होगा, और कितने ही जुगनुओं ने तुम्हारे चारों ओर चमक कर आरती उतारी होगी, तो दिन में अनेक भंवरे भी सदा ही गुंजार कर रहे होंगी या करते रहे होंगे, रातों में झिल्लियों ने बिना थके अनेक मंगल गीत सुंदर रूप से गाए होंगे, और साथ ही और सुबह एवं संध्या को पक्षियों के झुंडों की प्रसन्नता से भरी क्रीड़ा का मधुर स्वर भी तुम्हारी डालियों को कंपाता रहा होगा। इस प्रकार तुम्हारा रूप हर समय सुहावना रहा है। तो ये तो था उस वृक्ष के प्रति। अब आगे वो फिर कहता है केशकम्बली ही कि अन चिन्हे खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, काकली मतलब स्वर। तो आपस में सुबह शाम जो पक्षियों के समूह थे वो मानो तुम्हारे अंदर ही शरण लेकर अपनी क्रीड़ाओं में लगे रहते थे। डाली डाली को कंपा गई ओ दीर्घकाय, वो कहते हे विशाल आकार वाले, ये दीर्घ आकार वाले वृक्ष, ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा गुरु आश्रय त्राता मच्छाय। तो वो कहते हैं हे समस्त पेड़ पौधों के अग्रज, हे प्रिय, हे मित्र, हे गुरु, सभी के आश्रय रक्षक एवं घनी छाया देने वाले वृक्ष, हे व्याकुल शब्दायमान मन के जीवों की ध्वनियों के समूह गान के साकार रूप, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के रंद गान के मूर्त रूप, देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। तो वो कहते इस तरह से तुम हो कि तुम मित्र भी गुरु भी सभी के आश्रय भी रक्षक भी घनी छाया देने वाले वृक्ष, हे व्याकुल शब्दायमान मन के जीवों की ध्वनियों के समूह गान के साकार रूप, क्योंकि अनेक अनेक पक्षी अनेक अनेक जीव उन पेड़ों पर सहायता लेते हैं रहते हैं ठहरते हैं, तो मानो उसी के शब्दों को तुम
तुम्हारे अंदर जिंदा रखने वाले, और साथ ही मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हारा ध्यान कर सकूं, बिना पलक झपकाए चुप संयत मिलकर एक बिना वाणी के तुम्हारा चिंतन करता रहूं, मुझ में इतना साहस कहाँ है जो कि जो मैं तुम्हें छू सकूं, अर्थात तुम महान हो, मैं तुम्हारा ध्यान एवं दर्शन करना चाहता हूं। पहला ही समर्पण उसने उस वृक्ष के प्रति किया, उस वृक्ष के प्रति जिसमें अनेक पक्षी रहते थे, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर ठहरी हुई थी, जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, वो मानो जिसको बादल चूमते थे, और जिस पर आकर के वो हिमालय भी अपने रहस्य की बातें करते थे, जिस पर अनेक पेड़ वो अनेक पक्षी जीव रहते थे, विराजित होते थे और अपनी क्रीड़ाएँ करते थे। तो इस तरह के पहला समर्पण उसने उस वृक्ष के प्रति किया। अब बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद।